मॉर्निंग एवरीवन, एके स्टडी पॉइंट की डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2020। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। अगर गाइस आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 जुलाई। यह दिन जो है जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2011 में इस दिवस की जो है घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रजत भाटिया, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी सौरभ तिवारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजत भाटिया। और ये जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इन्होंने अपना करियर का जो शुरुआत किया था 1999 में तमिलनाडु से किया था। नेक्स्ट, हाल ही में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया, उनका असली नाम क्या था? ऑप्शन ए जीबुन्निसा, ऑप्शन बी हिना शेख, ऑप्शन सी कौसर जहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीबुन्निसा। नेक्स्ट, हाल ही में 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को कोर टर्मिनस के आधार पर किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इनका जो है अभी निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा एन शिवारमन को कितने साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 साल। 3 साल के लिए जो है इन्हें नियुक्त किया गया है और ये जो है नरेश टक्कर की जगह इनकी नियुक्ति हुई है। ICRA का जो मुख्यालय है वो है गुड़गांव हरियाणा में और इसके जो अभी गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं वो हैं अरुण दुग्गल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने COVID-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड विकसित किया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी DIIT, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DIIT डाइट। इन्होंने जो है आश्रय मेडिकल बेड विकसित किया है। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और इसके जो भी कुलपति हैं वो है CP राम नारायण। इसका मुख्यालय जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mpay.me नामक एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए मोबिक्विक, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी फ़ोनपे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन ए मोबिक्विक। यह जो है यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। मोबिक्विक के जो CEO हैं वह है बिपिन प्रीत सिंह और इसका जो मुख्यालय है वह है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षित जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी रिभोई, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर। नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में जो है आकांक्षित जिलों की सूची में सबसे शीर्ष पर बीजापुर रहा जो कि छत्तीसगढ़ में है और दूसरे स्थान पर रहा रिभोई जो कि मेघालय में है और बहराइच जो है ये तीसरे स्थान पर रहा जो कि उत्तर प्रदेश में है। नीति आयोग के जो अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वह हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड
सेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा, इन्होंने जो है दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन बी लोक संगीतकार, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोक संगीतकार। इनका जन्म जो है 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिमपोंग में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मॉरिशस। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के भवन का निर्माण किया। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का भवन जो है का निर्माण जो है भारत की सहायता से हुआ है। अब मॉरिशस के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वह है प्रवीण जुगनाथ और उसका जो राजधानी है वह है पोर्ट लुइस। वहाँ जो मुद्रा चलती है वो चलती है मॉरिशियन रूपी। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका की उपन्यास बर्न शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अवनी जोशी, ऑप्शन बी प्रिया चतुर्वेदी, ऑप्शन सी कोयना मित्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी जोशी। इनके उपन्यास बर्न शुगर को जो है बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कर्नाटक के बेंगलोर में लाइफ साइंसेस पार्क का उद्घाटन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के द्वारा जो है किया गया है और ये जो है लगभग 52 एकड़ भूमि पर जो है इसका शिलान्यास किया गया है और ये जो है 5,000 करोड़ रुपए के फंड से इसका निर्माण किया जाएगा। और वहाँ के जो अभी कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वह हैं बज्जू भाई वाला। हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रमुख हैं वो हैं जिम ब्राइडेनस्टाइन और इसका जो मुख्यालय है वह है यूएस के वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है अभी 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। इसमें जो है ब्रांडेड इस फार्मेसी में जो है ब्रांडेड दवाइयाँ मिलती हैं सस्ते दामों पर। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज, टेक केयर।